अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन। इस वक्त हम बस स्टैंड किश्तवाड़ में हैं और यहाँ पर चेकिंग चल रही है गाड़ियों की। और जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि किस तरह से जो है वो ट्रैफिक वायलेशंस लगातार हो रही हैं, किस तरह से जो है वो ओवर लोडिंग की खबरें फिर से आना शुरू हुई है। लोग जो है वो मजबूर कर रहे हैं पुलिस और मीडिया को कि वो जो ये इश्यूज़ है उनको उठाए। इस वक्त हम बस स्टैंड किश्तवाड़ में हैं। हमारे पास एक वीडियो भी आया था जिसमें माइनर जो बच्चा है वो ड्राइव कर रहा था, फिर हमने वो वीडियो जो है वो एसएसपी साहब को फॉरवर्ड किया था और जाहिर सी तौर पर है उसमें एक्शन हुआ होगा और हमें बताया गया कि इंडीड उसमें एक्शन हुआ है। आप देख रहे हैं इस वक्त एसएचओ पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ परवेज़ अहमद खांडे खुद मौजूद है यहाँ पर। डीवाईएसपी हेडक्वार्टर भी जो है वो मौजूद है। बस स्टैंड किश्तवाड़ में इस वक्त जो है वो चेकिंग चल रही है। ये खोलो भाई, खोलना भाई। आप इस वक्त जो है वो देख रहे हैं इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर प्लेट जो है वो मिली है। ये सेम नंबर प्लेट है इसी की, आप देख सकते हो। यहाँ पर इस वक्त हम बस स्टैंड में हैं, हेलमेट लगी है। ये मच मॉडिफाइड है आज करने चाक नॉर्मल से। आप देख सकते हो यहाँ पर इस वक्त नाका लगाया हुआ है। इस वक्त चेकिंग चल रही है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। इसमें जो है वो नॉर्मल लगा हुआ, अगर देखना होगा उस पर नंबर भी आता, अगर सीरियल नंबर लिखा होगा फिर है, लिखा है। हाँ चेंज है तो करो कार्रवाई, अगर चेंज है ये। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस गाड़ी को चेकिंग की गई। कुछ इसमें कागज नहीं थे सर, क्या कागज नहीं थे क्या? लाइसेंस नहीं है, इनको लाइसेंस है और चेक कर रहे हैं कि ये मॉडिफाइड है कि। ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, मॉडिफाइड नहीं था ये, माफ कीजिए, ये नॉर्मल जो है इसको वो साइलेंसर था। आप देख रहे हैं इस वक्त बस स्टैंड किश्तवाड़ पे जो है वो पुलिस और उनके साथ आर्मी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आर्मी भी जो है वो पेट्रोलिंग में यहाँ पर रहती है। सीआईएसएफ भी जो है वो उनके साथ में है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस ने जो है वो अचानक नाका लगाया है और यहाँ पर चेकिंग हो रही है बस स्टैंड किश्तवाड़ में। और यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल जो है वो खुद मौजूद हैं। डीवाईएसपी हेडक्वार्टर किश्तवाड़ भी जो है वो मौजूद है यहाँ पर, आप देख सकते हो, क्योंकि 26 जनवरी भी आगे आने वाली है और सिक्योरिटी के लिहाज से इस तरह के नाके जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर जो नाका एक्सपर्ट है लाल हुसैन साहब वो भी मौजूद है, वो ज़रा दूर है यहाँ से, वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। 26 जनवरी भी आगे आने वाली है, आप देख सकते हैं इस वक्त आर्मी सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद हैं। खुद डीएसपी हेडक्वार्टर मौजूद है डॉक्टर ईशान, आप देख रहे हो यहाँ पर। लोग लाल हुसैन साहब को मिस कर रहे थे, लाल हुसैन साहब ड्यूटी पे है और चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब जहाँ मर्जी घुमाओ, अगर कस्टमर ने दी गाड़ी ठीक करने के लिए तो आप गाड़ी लेके मार्केट में घूमो। लालू मैं बात करूं भाई, लालू सेन साहब क्या मसला है? एक कस्टमर की गाड़ी है, बाहर का नंबर था, वही चेक कर रहे थे डॉक्यूमेंट वगैरह है। हमने बोला कस्टमर की है तो बाहर लेके कैसे आए जब ग्रास में लगी थी? तो लड़के को लगी है मार्केट जैसी, तो आपने नहीं थी, मालिक की नहीं है, मालिक के पास काम करता है ना। हाँ तो मालिक की गाड़ी नहीं तो कस्टमर की लेके क्यों आए भाई? आपको क्या पता गाड़ी में क्या होगा क्या नहीं होगा? कस्टमर मेरी गाड़ी है, आपको क्या पता मेरी गाड़ी में क्या है? मैंने ठीक करने के लिए रखी, हो सके उसमें चरस है, शराब है, फीम है, जुआ है, क्या है? आप उठाओ गाड़ी लेके चलते रहो मार्केट में।
पूछो साहब को, बोलो हमें काफी स्वागत क्या करना है, पूछो साहब से। ये गाड़ी जो है वो कस्टमर की बता रहे हैं ये, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अब वेरीफाइड किया जाएगा कि वो कस्टमर कौन है। जब अब कस्टमर कागज है, हाँ, कागज है, लेकिन ये खुद नहीं है। हाँ। नहीं नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, लाइसेंस नहीं है इनके पास। हाँ। नहीं, लाइसेंस भी है। अच्छा, गाड़ी बाहर की थी, हम चेक कर रहे थे भाई किसकी है क्यों है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि ये कस्टमर की गाड़ी है। तो कैसे लेके आए कस्टमर? यहाँ पर DSP हेडक्वार्टर साहब खुद मौजूद है, यहाँ पर चेकिंग हो रही है। इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट से अब इनको वार्निंग दी गई कि दोबारा जो है वो कस्टमर की गाड़ी ना निकाल कर लाए, इसलिए इनको जो है वो जाने दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मॉडिफिकेशन लाइट्स जो है उनको भी चेक किया जा रहा है। अगर यहाँ पर हाई बीम लाइट है उसको चेक किया जा रहा है, और अगर किसी ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया है बुलेट गाड़ी को, उसमें भी जो है वो देखा जा रहा है। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर भी जो है वो सर्विस में लगाया है। जो लोग शराब पीते हैं उनकी भी जो है वो चेकिंग होती है ब्रेथ एनालाइजरिंग के थ्रू। आप देखिए, ये गाड़ी अनंतनाग की गाड़ी है, जाहिर सी तौर से बात है, चेक किया जा रहा है यहाँ पर। किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो आर्मी के साथ मिलकर और CISF के साथ मिलकर इस वक्त बस स्टैंड में जो है वो नाका लगाया हुआ है, और गाड़ियों की जो है वो चेकिंग हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से जो है वो चेकिंग हो रही है गाड़ियों की, ये देख सकते हैं आप। BJP लीडर समीर गनाई, आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से जो है वो नाका लगाया हुआ है यहाँ पर। सीट बेल्ट लगाया है क्या समीर ने? नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाया है। हम चाहेंगे कि इनको जो है वो सीट बेल्ट के लिए फाइन किया जाए। इस वक्त गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो। इस वक्त हम बस स्टैंड किश्तवाड़ में हैं, मतलब आप देख सकते हो कि पावर की कितनी एरोगेंस है, कि मतलब सीट बेल्ट नहीं लगाई है और देखकर भी नहीं लगाई जा रही है। सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगाई है। हमारे यहाँ पर एक फेस है, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फेस है BJP के समीर गनाई, आप देख सकते हो ये सीट बेल्ट के बगैर है, सीट बेल्ट के बगैर है। हम चाहेंगे कि पॉलिटिशियंस को भी जो है वो जुर्माना होना चाहिए। सर, सीट बेल्ट का चालान किया जाए, क्योंकि अगर बड़े लोग नहीं लगाएंगे तो फिर गलत बात है। अभी निकाला अभी सीट वो नहीं होता। आप हम चाहेंगे कि इस वक्त आप कैमरे में है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि अगर यहाँ चालान नहीं होगा आपके घर जो है वो आपकी गाड़ी का जो है वो चालान पहुँच जाएगा। अगर हम चाहेंगे कि इनका चालान होना चाहिए, ऑनलाइन ही हो लेकिन होना चाहिए। इस वक्त हम बस स्टैंड किश्तवाड़ में हैं, समीर की गाड़ी के फोटो ली जा चुकी है, ऑनलाइन चालान होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त पुलिस ने जो है वो नाका लगाया हुआ है, क्योंकि आजकल गाड़ियों की चालानिंग जो है वो ऑनलाइन होती है, नंबर जो है वो नोट किए जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर किस तरह से जो है वो पुलिस ने नाका लगाया। हम बता रहे हैं बार बार लगातार ट्रैफिक की वायलेशंस हो रही है, ओवरलोडिंग हो रही है।
ओवरलोडिंग हो रही है, फ्रंट पे जो है वो बिठाए जा रहे हैं सवारियां। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने 24 गाड़ियों को जो डोडा किश्तवाड़ और रामबन में चलती हैं उनको जो है वो ब्लैक लिस्टेड किया है फॉर वेरियस वायलेशन। सीसीटीवी कैमरा लगाने बसेज में ज़रूरी है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। स्पीड गवर्नेंस लगाने की ज़रूरत है, सब चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आगे 26 जनवरी है, इसलिए पिछले दिनों सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी हुई थी, उसमें ये चीज़ें भी डिसाइड की गई थी कि अचानक जो है वो जो है वो नाके लगाए जाएं और गाड़ियों की जो है वो फ्रिस्किंग की जाए। आप देख रहे हैं इस वक्त हम बस स्टैंड किश्तवाड़ में हैं, एक इस वक्त जो है वो पुलिस की ड्राइव जो है वो चल रही है, लोग जो है ओवर लोडिंग कर रहे हैं। इसमें लाइसेंस कौन सा लगता है सर? हमारे पास दूसरा कौन सा? आरटीओ साहब ने परसों बोला था कि लाइसेंस, तो वो आपने अप्लाई किया है? पूरा मालिक उसकी पर्ची लाई है तो मालिक के पास बोला कागज से ई चलान का खाता कर लेना, ठीक है? क्योंकि आरटीओ साहब ने टाइम दिया है, मत परसों से गाड़ी सीज हो जाए थे, ठीक है? इसमें ई लाइसेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पर लाल हुसैन साहब जो है वो खुद मैदान में कूद पड़े हैं। थोड़ी सी आगे लाना सर, यहाँ पर जो है वो गाड़ियों की जो है वो चेकिंग की जा रही है। जम्मू से क्या काम करते हैं सर? मार्केट अपना लाइसेंस दिखा दे क्योंकि आगे चलकर 26 जनवरी है, इस तरह की जो सिक्योरिटी ड्राइव्स हैं और नाकाज जो है वो इम्पॉर्टेंट लगाने हैं, और इससे अलर्टनेस भी पुलिस की पता चलती है। और डायरेक्शंस आई है कि फ्रीक्वेंट ऑन स्पॉट और कभी भी किसी भी सिचुएशन में जो है वो पुलिस जो है वो नाके लगाए, ताकि यहाँ पर किसी तरह की जो एक्टिविटी है, जो एंटी नेशनल एक्टिविटी है या उनकी मूवमेंट है, उसको भी जो है वो चेक किया जाए, और साथ में जो डिफरेंट ट्रैफिक वायलेशंस है उनको जो है वो चेक किया जाए। जैसा कि मैं बता दूँ कि बस स्टैंड में जो प्रोजेक्ट्स की गाड़ियाँ जो है पार्क होती, उसकी वजह से जो हमारी अपनी गाड़ियाँ हैं उनको जो है वो जगह नहीं मिलती। मैं इस वीडियो के जरिए प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कहीं जो है वो किराए पर कुछ 2 या 3 कनाल ज़मीन ले, कहीं जहाँ पर सूटेबल जगह हो वहाँ से जो है वो बसें पार्क करें, ताकि जो हमारा बस स्टैंड का कंजक्शन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारी जो अपनी गाड़ियाँ हैं वो वहाँ जो है एडजस्ट नहीं हो पा रही है। और ख़ास तौर पर मैं बता दूँ कि जब जाम होता है हमारी एम्बुलेंसेज भी जो है वो फंस जाती है। आप ने जो है वो देखा भी था कि हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से जो है वो एम्बुलेंस जो है वो जाम में फंस गई थी, और फिर उसको जो है वो कुछ टाइम जो है वो रुकना पड़ा था। अगर उसमें खुदा न खास्ता हार्ट पेशेंट होता तो एक जान जो है वो चली जा सकती थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त गाड़ी को जो है वो चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर लाल हुसैन साहब खुद मौजूद है, सीनियर पुलिस ऑफिशल्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, CISF है, आर्मी है, जैसे कि मैंने बताया 26 RR के जवान भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है सिक्योरिटी सेफ्टी का, जब 26 जनवरी जैसे इवेंट्स या कोई ईद या दिवाली जैसे इवेंट्स होते हैं, उस मौके पर जो है वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी कारामद साबित होती है, लॉ एंड ऑर्डर को चेक करने के लिए, अलर्टनेस के लिए चेक करने के लिए, और जो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको पर नज़र रखने के लिए और उनको चेक करने के लिए। ये विजुअल आपके स्क्रीन पर जो बस स्टैंड किश्तवाड़ में जो इस वक्त चेकिंग चल रही है उसके, सीट बेल्ट लगा, चलो 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 शाबाश, चल भाई चल आगे। आप देख रहे हो यहाँ पर इस वक्त चेकिंग चल रही है गाड़ियों की। ऐसे खुला क्यों छोड़ा हुआ? ऐसे खुला ही क्यों छोड़ा? चेंज किया था। अच्छा ड्रेस तो जाने दो, चले 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 चले। आप देख सकते हो कि कैसे जो गाड़ी है ये रॉन्ग साइड से आई है, ये गाड़ी रॉन्ग साइड से आकर बीच में घुसने की जो है वो कोशिशें कर रहे हैं।
आप देख सकते हो यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो बीच में घुसने की कोशिश कर रही है। इकोज की वजह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और अक्सर लोग जो है इनके बारे में शिकायतें करते हैं और जहाँ इनको मर्जी आए वहाँ ब्रेक देते हैं, जहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है वहाँ रुकते हैं, फ्रंट सीट पे जो है वो एक्स्ट्रा सवारियाँ बिठाते हैं, ड्राइवर को हिलने के लिए जगह नहीं मिलती है। आप देख रहे हो यहाँ पर गाड़ियों की जो है वो चेकिंग हो रही है। इस वक्त हम बने हुए हैं बस स्टैंड किश्तवाड़ पे, यहाँ पर जो है वो गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, ड्राइव हो रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। इस वक्त ज़्यादा जो है वो फ्रिस्किंग पर ध्यान दिया जा रहा है बनिस्बत के ड्राइव डॉक्यूमेंट्स पर। अचानक किसी को जो है वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पीछे से शायद ये कंपनी की गाड़ी आई है, इन्होंने फिर से जो है वो कैबिन्स का में जो है वो लोगों को बिठाना शुरू किया है। हमारे पास अक्सर कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो कैबिन में जो है वो फिर से एस्टेब्लिश किया गया। हालांकि इनको आगे पता चला कि ये जो है यहाँ से पुलिस का नाका लगा हुआ है, उसके बाद जो है इन्होंने उसको हटाकर सीट को जो है वो फ्रंट पे रखा। हम सब ड्राइवर लोगों से अपील करते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हों, ओवर स्पीडिंग ड्राइविंग, मोबाइल का इस्तेमाल ना करना, ओवरलोडिंग नहीं करना। हम जो है वो लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो है अपील कर रहे हैं। हालांकि कुछ ड्राइवर्स को जो है वो ऐसा लगता है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये उनकी सेफ्टी के लिए भी है, क्योंकि जब ड्राइवर मरता है तो शायद उनकी फैमिली वालों को जो है फिर कोई नहीं पूछता है। एक इंसान की जान चली जाती है, वो सबसे पहले अगर कोई मरता है गाड़ी में, जो खतरा होता है किसी की जान को, वो जो है वो ड्राइवर की जान को खतरा होता है। इसलिए अगर ओवरलोडिंग हो और बाकी चीज़ें हों और हादसा हो जाए तो उसमें जो है वो ड्राइवर को भी जो है वो की मौत हो सकती है, जिस तरह से डोडा के हादसे में दोनों ड्राइवर और क्लीनर की जो है वो मौत हो गई थी। ये जो है नाका अभी भी जारी है। हम इस कवरेज को कंक्लूड करते हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।